स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। श्री राजपूत नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल का 63वां स्थापना दिवस व श्री महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में राजपूत समाज द्वारा किए गए विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित 3 दिवसीय उत्सव की हुई शुरुआत। प्रदेश की पहले रतलाम नगर निगम जहां तीनों ही ऋतुओं में रहता है पेयजल संकट। जल प्रदाय अधिकारियों के पास शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन का नहीं है नक्शा, जिससे आए दिन खुदाई में फूटती है पेयजल पाइपलाइन और जनता को भुगतना पड़ता है पेयजल संकट। की समस्या पर जिम्मेदारों का नहीं ध्यान। जिला अस्पताल के अधिकांश वार्डों में पंखे बंद या नाम मात्र की दे रहे हवा। मरीज के परिजनों को घर से लागत लगाने पड़ रहे टेबल फैन। सुशासन की खुलती पोल। श्री राजपूत नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल के स्थापना दिवस के साथ ही श्री महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष में 3 दिवसीय उत्सव की आज से शुरुआत हुई। श्री राजपूत नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल के स्थापना दिवस के साथ ही राष्ट्र गौरव श्री महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष में 3 दिवसीय उत्सव की आज से शुरुआत हुई। उत्सव के प्रथम दिवस श्री राजपूत धर्मशाला हाथीखाना क्षेत्र में साफा धारण तलवार प्रतियोगिता, चेयर रेस एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं 22 मई रविवार को नेहरू स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात श्री राजपूत धर्मशाला में प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ ही न्यास की 63वीं वार्षिक बैठक का आयोजन करने के साथ ही समाज के वरिष्ठजनों का सम्मान किया जाएगा तथा 22 मई सोमवार को प्रातः भव्य शोभा यात्रा का आयोजन महलवाड़ा से किया जाएगा, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप चौराहे पर श्री महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ सम्पन्न होगी। श्री राजपूत नवयुवक मंडल न्यास प्रमुख राजेंद्र सिंह गोयल ने जानकारी देते हुए बताया। मंडल न्यास एवं महिला मंडल रतलाम के तत्वाधान में संगठन का 63वां वार्षिक उत्सव एवं 3 दिवसीय श्री महाराणा प्रताप एवं श्री छत्रसाल बुंदेला जल जयंती के अवसर पर आज यहाँ बच्चों के साफा धारण, तलवारबाजी, चेयर रेस और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित रात को धर्मशाला हाथीखाना पर आयोजित की जाएगी। कल प्रातः 8 बजे बच्चों की खेलकूद स्पर्धा नेहरू स्टेडियम पोलो ग्राउंड पर होगी। उसके पश्चात प्रातः 10 बजे राजपूत धर्मशाला पर वार्षिक बैठक एवं शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण, वरिष्ठ समाज सेवियों का राजपूत रत्न से सम्मान एवं अतिथियों का उद्बोधन होगा। और दिनांक 22 मई राष्ट्रपुरुष देश के गौरव महाराणा प्रताप की जन्म जयंती एवं छत्रसाल बुंदेला जी की जन्म जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी, जो महलवाड़ा से प्रारंभ होकर लालू मोदी बाजार, माणिक चौक, घास बाजार, चौमुदबुल, चांदनी चौक, तोपखाना, गणेश देवरी, धान मंडी, शहीद चौक होकर महाराणा प्रताप चौक पर पहुँचेगी। वहाँ अतिथियों द्वारा एवं समाजजनों द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। रतलाम शहर प्रदेश का वह शहर है जहाँ पर 12 ही महीने पेयजल संकट बना हुआ रहता है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में भी जल संकट बना हुआ रहता है। कहने को तो निगम अधिकारी जल संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास करते हैं कि नगर की जनता को किसी प्रकार से जल संकट का सामना न करना पड़े, लेकिन यह सारे प्रयास मात्र कागजों तक ही सीमित होते हैं। मैदानी स्तर पर ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं देता। नगर निगम के जल प्रदाय विभाग की यह हालत है कि नगर में बिछी पाइपलाइन का नक्शा तक निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के पास नहीं है। यही कारण है कि अक्सर सड़क खुदाई के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और उससे पेयजल संकट गहरा जाता है। सुभाष नगर ब्रिज के पास जेसीबी से खुदाई करने के दौरान 12 इंची पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कि शहर में व्यवस्था बाधित हो गई। वहीं इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब सड़क खुदाई के लिए यदि कोई परमिशन मांगी जाती है तो उसको पाइपलाइन कहां पर है और कितनी गहराई पर है यदि उसकी जानकारी दे दी जाए तो वह सावधानी बरतते हुए कार्य करें, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को लापरवाही के चलते उक्त कार्य नहीं हो पाता और शहर की जनता को पेयजल संकट से सामना करना पड़ जाता है।
करीब एक सप्ताह पूर्व आपने देखा होगा कि रतलाम शहर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया था। वहीं रतलाम शहर विश्व के मानचित्र में सबसे गर्म शहरों में शुमार होने लगा था। बावजूद इसके जिला अस्पताल की जिम्मेदारों की लापरवाही कही जा सकती है कि इतनी भीषण गर्मी में भी जिला अस्पताल के जिम्मेदारों ने वार्डों की सूद तक नहीं ली। जिला अस्पताल में मरीज का यह हाल है कि उनको अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना है तो अपने साथ में एक टेबल फैन लेकर जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, जिसकी मुख्य वजह जिला अस्पताल के वार्डों में या तो पंखे नदारद हैं या फिर वह चल ही नहीं रहे, और कुछ चल भी रहे हैं तो वह हवा नाम मात्र की भी नहीं दे रहे, जिससे कि भर्ती मरीजों को इस भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपने घर से ही टेबल फैन की व्यवस्था करके जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। कहने को तो शासन स्वास्थ्य विभाग पर अरबों रुपए माह खर्च कर रहा है, लेकिन जिला अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की सारी योजनाएं मात्र कागजों में ही संचालित हो रही हैं। शासन में बैठी कमजोर कड़ या मात्र औपचारिकता पूर्ण करके अपना मतलब हल करने में लगी हुई है, जिससे शासन की सुशासन वाली कहावत मात्र औपचारिकता बनती हुई ही नजर आ रही है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। पुलिस लाख कानून व्यवस्था मजबूत होकर बदमाशों में कान का खौफ होने की बात कहे, लेकिन पुलिस के दावे कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और। यही कारण है कि बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। विगत दिवस तंबाकू मांगने की बात पर ही एक बदमाश ने एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया, जिसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी अनुसार कमल पिता भंवर से एक बदमाश ने तंबाकू मांगी। कमल ने देने से मना कर दिया, जिससे आक्रोशित बदमाश ने कमल को पीछे से आकर सर में तलवार से वार करते हुए घायल कर दिया, जिसको परिजनों ने गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घायल कमल ने जानकारी देते हुए बताया, तमाकू के चक्कर में क्या हुआ था, तलवार मार। कैसे हुआ था, क्या कुछ कहा था? कुछ भी नहीं, तमाकू के चक्कर में। क्या बोला वो तेरे पास आके? तमाकू के मेरी नड़िया मेरे पास नहीं, जेब में हाथ डाल दिया और तलवार के पीछे से मार के चला गया। पहचानता तो उसने? पहचाना, गाँव पे ही। क्या नाम उसका? मान्या। डॉक्टर कैलाशनाथ विधि महाविद्यालय में 59वां वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। दो दिनी आयोजन में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण में युवा संसद, प्रश्न मंच एवं क्लाइंट कंसल्टेशन हुआ। कॉलेज में पहली बार युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें निर्णायक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेसी राठौर, डॉक्टर रविंद्रजीत अरोरा, डॉक्टर मुरलीधर चांदनी वाला थे। रतलाम एजुकेशन सोसाइटी के सचिव डॉक्टर संजय वाते, कोषाध्यक्ष केदार अग्रवाल, सदस्य निर्मल लुनिया, उमेश झालानी भी मौजूद थे। दूसरे चरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें नृत्य, संगीत, स्टैंड अप कॉमेडी का आयोजन किया गया। निर्णायक सीमा अग्निहोत्री, सपना त्रिपाठी थे। संचालन LLB तृतीय वर्ष के सुमित मैड़ा और BA LLB पंचम वर्ष की प्रियल पोखराना ने किया।
सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। श्री राजपूत नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल का 63वां स्थापना दिवस व श्री महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष में राजपूत समाज द्वारा किए गए विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित, 3 दिवसीय उत्सव की हुई शुरुआत। प्रदेश की पहले रतलाम नगर निगम, जहां तीनों ही ऋतुओं में रहता है पेयजल संकट। जल प्रदाय अधिकारियों के पास शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन का नहीं है नक्शा, जिससे आए दिन खुदाई में फूटती है पेयजल पाइपलाइन और जनता को भुगतना पड़ता है पेयजल संकट। डिग्री के तापमान में भी मरीजों की समस्या पर जिम्मेदारों का नहीं ध्यान। जिला अस्पताल के अधिकांश वार्डों में पंखे बंद या नाम मात्र की दे रहे हवा। मरीज के परिजनों को घर से लागत लगाने पड़ रहे टेबल फैन, सुशासन की खुलती पोल।